हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहले ये देखेंगे हम इसकी कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर एक ऐसी पर्सन होता है जो किसी चीज़ को बाय करता है गुड्स और सर्विसेज अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, इसलिए क्योंकि वो जो है डिमांड भी क्रिएट करता है जिसकी वजह से सप्लाई होती है गुड्स की, और वो इकोनॉमी में पैसा लाता है, सेविंग्स करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है। इन दिस वे कंज्यूमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट। बट कंज्यूमर के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। बेसिकली जब कोई इंसान सामान खरीदने जाता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई राशन लेने जाता है तो जो सेलर होता है वो कभी कभी एक्सप्लॉइट कर देता है कंज्यूमर को, क्योंकि उसको रेट नहीं पता होता एग्जैक्टली कि रेट क्या है इस सामान का। तो इस तरह से वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं कंज्यूमर्स को। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें सेलर्स जो हैं मार्केट प्राइस से ज़्यादा कंज्यूमर को चार्ज करते हैं। इस केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कंज्यूमर अवेयरनेस क्या चीज़ होती है? कंज्यूमर, हमें पता है कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के साथ क्या होती है प्रॉब्लम, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कंज्यूमर को अवेयरनेस किस तरह लानी चाहिए? कंज्यूमर अवेयरनेस बेसिकली एक एक्ट है जिससे ये अश्योरिटी मिलती है कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज एंड कंज्यूमर राइट्स। जैसे सपोज आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदा किसी डीलर से, अब आप उसको ख़राब हो गया विद इन अ मंथ। अब वो डीलर ये कह रहा है कि मैं इसको ठीक नहीं करवाऊंगा, अब आप कंपनी से बात करिए। अगर आप कंपनी में कॉल करेंगे वो कहेंगे कि पहले आप डीलर से बात करें। तो इस चीज़ में जो है ना कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। इस केस में कंज्यूमर अपने राइट्स को यूज़ कर सकता है और कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है ये बताने के लिए कि इसका राइट है, कि उसका राइट है कि अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी या गारंटी में है तो वो उसको ठीक करवा सकता है विदाउट बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द सेलर और बाय द कंपनी हूएवर इज इन्वॉल्व्ड। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है, ये हेल्प करता है बायर को डिसाइड करने में कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और किस कंपनी का लेना है। राइट डिसीजन, राइट चॉइस। अगर कंज्यूमर के पास सही इंफॉर्मेशन होगी तो वो सही चूज करेगा और वो उसमें राइट डिसीजन लेगा, और राइट टू सेफ्टी की सारी गाइडलाइंस उसे पता होंगी कि किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या करना है। कंज्यूमर अवेयरनेस जैसे मैंने पहले बताया इज बेसिकली मीन्स अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटीज में। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है एक बहुत ही ब्रॉडर एंड वाइडर टर्म है जो पांच पॉइंट्स कवर करता है। दैट इज MRP के बारे में पता होना कंज्यूमर को, फेयर प्राइस शॉप के बारे में पता होना, प्राइस क्वालिटी एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में पता होना, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पता होना, और जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ISO मार्क या ISI मार्क होता है उसके बारे में भी कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन भी डिफरेंट टाइप्स का होता है जिसमें डिफरेंट वेज में कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जा सकता है बाय द सेलर। या तो वो पुअर क्वालिटी का सामान देगा, या अंडरवेट देगा, या हाई प्राइस लेगा, या डुप्लीकेट सामान दे देगा। इसमें इम्प्योर सामान भी दे सकते हैं और सेफ्टी डिवाइसेस जिसमें नहीं होती वो भी दे सकते हैं, या फिर कभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, या रफ बिहेवियर रखते हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज कभी कभी नहीं मिलती हैं। इन दीज वेज कंज्यूमर कैन बी एक्सप्लॉयटेड। अगर इन किसी भी पॉइंट्स पर कंज्यूमर एक्सप्लॉयट हो रहा है, देन दैट कंज्यूमर कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर कोर्ट एंड रिपोर्ट अगेंस्ट द डीलर और द सेलर। उसको अलाउड है जाके रिपोर्ट कर देना अगर कोई भी इन बेसिस पर एक्सप्लॉइट हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया
एक्सप्लॉयटेशन की जो है कुछ वजहें हैं, या तो ये हो सकती है कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन नहीं है चीज़ों की, या सप्लाई कम है उस प्रोडक्ट की उस एरिया में, तो इसलिए वो लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कंपटीशन बहुत कम है वहाँ पर, तो वहाँ पे मोनोपोली हो रही है सम उस प्रोडक्ट की, इस केसेस में वो लोग हायर प्राइसेस चार्ज करते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो है लोग जो हैं लिटरेसी रेट, एज यू ऑल नो इंडिया में बहुत लो है, बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं, मतलब फेक है ओरिजिनल है क्या है, ये पता नहीं होता है मोस्टली कंज्यूमर्स को बिकॉज ऑफ देयर लो लिटरेसी रेट। फिर कंज्यूमर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? कंज्यूमर राइट्स बेसिकली ये बताता है कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं जो वो यूज कर सकता है अगेंस्ट द सेलर जो उसको गुड्स दे रहा है। इसमें ये फॉलोइंग राइट्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट होता है बिकॉज इसमें जो है प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द प्रोडक्ट अगर वो उनकी सेफ्टी को उनको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी कोई इलेक्ट्रॉनिक दे देना जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उससे डैमेज हो सकता है फिजिकल या फिर मेंटल, एनीथिंग कैन हैपन अगर कुछ डैमेज प्रोडक्ट मिले विच इज हैजार्डस टू द हेल्थ। फिर आती है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें यह है कि कंज्यूमर को जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट लेने जाए तो उसकी पूरी डिटेल या फिर ब्रोशर या प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, ये कंज्यूमर का राइट है, वो पूछ सकता है। और सेलर अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे देन उसके अगेंस्ट केस भी बन सकता है। थर्ड है राइट टू चूज, कोई भी सेलर फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले। आपने ज़्यादातर देखा होगा स्पेशली इन द केस जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है या फिर कोई ऐसी शॉप पे जाता है जहाँ पर कोई एक प्रमोशनल चल रहे होते हैं प्रोडक्ट्स पर, कुछ प्रमोशनल ऑफर्स, तो सेलर जो है फोर्स कर रहा होता है कंज्यूमर को, नहीं आप ये वाला ब्रांड का लें इस पर इतना डिस्काउंट मिलेगा और वगैरह वगैरह। तो इन केसेस पर कंज्यूमर का राइट है कि वो मना कर दे उनसे और उनको खुद अपनी पसंद से चूज करे वॉट एवर द कंज्यूमर वॉन्ट्स टू बाय। फिर आता है राइट टू हर्न, अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से जो उसने परचेज किया तो उसका राइट है उसके लिए उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करना, और अगर वो कंप्लेंट अनहर्ड जाती है तो उसको जो है उसका पूरा प्रॉपर केस बनना चाहिए और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ये नहीं कि कंप्लेंट हो गई एंड लोग भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर ने खरीदा और वो अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेक्टेशंस नहीं चल रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर हैज द राइट कि जो भी लिमिटेड टाइम है जिसमें वो रिप्लेस कर सकता है प्रोडक्ट, वो 15 दिन 10 दिन, उस पीरियड में द कंज्यूमर कैन रिप्लेस इट, कॉम्पनसेट इट, रिटर्न द प्रोडक्ट। फिर आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास पूरा राइट है सारी इंफॉर्मेशन निकालना उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर सेलर से पूछना, एंड द कंज्यूमर शुड बी वेल अवेयर अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि वो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या वो कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से या उसको अगर पता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके साथ। कंज्यूमर हैज द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि उसके अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर उसको अवेयरनेस होगी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की देन इट कैन हेल्प द कंज्यूमर फाइट द अनफेयर प्रैक्टिसेस और बी अवेयर ऑफ इट, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके साथ इट कैन फाइट अगेंस्ट इट अगर उसको अवेयरनेस है इस चीज की।
दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की ये है कि उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उससे वो अगर कोई उसे एक्सप्लॉइट करे तो वो किस तरह से उस एक्ट को यूज कर सकता है अपने केसेस में। फिर कंज्यूमर को जो है अवेयरनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसके अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स होंगे या नहीं होंगे उस प्रोडक्ट के, और उसको कॉशन होना चाहिए व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट। प्रॉपरली देखे कायदे से कि वो प्रोडक्ट जो खरीदा है उसने वो सही है या नहीं, वहाँ एक दफा उसको ऑन भी करवा के देखे। फिर कंज्यूमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो सामान खरीदे तो वो कैश मेमो जरूर मांगे। वो जो कच्चा बिल होता है वो इज दैट इज नॉट अ कैश मेमो। कैश मेमो शुड हैव द नेम ऑफ द सेलर और द डीलर ओवर इट, और GSTIN नंबर सब लिखा होना चाहिए। दैट इज अ कैश मेमो, एक्चुअल कैश मेमो। तो वो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सामान खरीदे तो वो कैश मेमो जरूर मांगे। फिर कंज्यूमर की जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो चेक करे कि जो सर्टिफाइड स्टैंडर्ड मार्क्स हैं जैसे ISI या होल मार्क, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए उसका। दैट प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया जो सबसे आप लोगों ने TV पे भी देखा होगा, एक जागो ग्राहक जागो कैंपेन है, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन, जो रिसेंट टाइम्स में काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है। जैसे मैंने पहले बताया कि कंज्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, तो इन दिस केस कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है और राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स दिस शुड बी प्रोटेक्टेड। जो पहले मैंने 6 राइट्स आप लोगों को मेंशन कर चुकी हूँ, टिल द 1960s इंडिया वॉज प्लेग्ड विद केस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इनएडिक्वेट वेइंग एंड फूड अडल्ट्रेशन। ये तो टिल 1960s की बात हुई। अभी करेंटली जब COVID-19 का लॉकडाउन के बारे में जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में होर्डिंग लोगों ने करनी शुरू कर दी थी। इससे फिर इन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करी सामान की, ग्रोसरीज स्पेशली, और ग्रोसरीज, असेंशियल आइटम्स एंड इवन टोबैको टोबैको रिलेटेड आइटम्स, इसमें होर्डिंग करी लोगों ने, फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग की और उसको जो है इन लोगों ने हायर प्राइसेस पे सेल किया। दिस वॉज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। बट इस टाइम में कंज्यूमर कुछ कर भी नहीं सकता था रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन, चाहे उसको अवेयरनेस हो या ना हो। कंज्यूमर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो 1960s में हुआ था, और 1970s में इट गेन्ड मोमेंटम। कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन स्टार्टेड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू रिटन वर्ड एंड इन आर्टिकल्स या न्यूज पेपर्स के थ्रू। जो भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ या डिससेटिस्फैक्शन हुआ उसको डेमोन्स्ट्रेट किया थ्रू आर्टिकल्स एंड न्यूज पेपर्स। जब लोगों ने थ्रू आर्टिकल्स एंड न्यूज पेपर्स निकालना शुरू किया था डिससेटिस्फैक्शन के बारे में लिखना और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखना, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक एक्ट बनाएगी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, विच वॉज नोन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये स्टार्ट हुआ 24 दिसंबर 1986 को, एंड जो एम था इस एक्ट का वो ये था कि प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के राइट्स को और इंश्योर करना कि फ्री ट्रेड हो रहा है मार्केट में, कॉम्पिटिशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में। इस 24 दिसंबर को जो है अब करंटली नेशनल कंज्यूमर डे का नाम दे दिया गया है एंड इस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। कंज्यूमर फोरम क्या होता है? कंज्यूमर फोरम बेसिकली एक प्रोटेक्शन काउंसिल्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है रिप्रेजेंट करना कंज्यूमर इंटरेस्ट को, एंड दे गाइड द कंज्यूमर्स इन प्रोसेसिंग द फाइल द कंप्लेंट फाइलिंग इन द कोर्ट। जब भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो उनके साथ तो ये लोग गाइड करते हैं कंज्यूमर को कंप्लेंट्स फाइल करने में क्या प्रोसेस है, एंड दे हेल्प द कंज्यूमर्स इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। कंज्यूमर कोर्ट बेसिकली वो केसेस हैंडल करता है जो
कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट और हियर करे जाते हैं केसेस, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं डील करते हैं 20 लाख केसेस को। आपको 20 लाख मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो भी केसेस आते हैं, जो उनका प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो होगा अप टू 20 लाख, स्टेट लेवल पे जो होगा बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़, और नेशनल कोर्ट्स में जो होगा वो होगा 1 करोड़ एंड अबव। 10th प्लान ने That's it for this topic. Thank you so much for listening to it.